हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ ब्लॉगर निशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाया है बनाना शेक। तो ये बनाना शेक मैंने सिर्फ बिट्टू के लिए बनाया है, बिल्कुल थोड़ा सा बनाया, वो भी उसने पूरा नहीं पिया था। तो ये देखिए इतना ही मैंने बनाया है। और यहाँ पर ये देखिए ढेर सारी चूड़ियाँ। क्या हुआ कि मुझे पहनना था सावन में हरी चूड़ियाँ, तो मैंने एक दो साल पहले ही, मतलब मैंने क्या किया था, ढेर सारा चूड़ियाँ ख़रीदा था हरी वाली सावन में पहनने के लिए ही, तो मैंने पहना था। उसके बाद बाकी मैंने ऐसे रख दिया था, तो वही मैं यहाँ पे निकाल के देख रही थी कि कहीं रखा है हरी चूड़ियाँ, तो लाओ निकाल के मैं पहन लूँ। तो क्या हुआ था कि बेटू सो जाता है तभी मैं ये सब चीज़ें मतलब निकालती हूँ, चूड़ी वगैरह क्या होता है, नहीं तो फिर वो मतलब लेके भागने लगता है, तो फिर ये सब कांच की चीज़ें रहती है, डर लगता है। तो मैंने क्या किया, वो सो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी मतलब आई निकाली देखी, लेकिन मुझे वो प्लेन वाली हरी चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं, बस मुझे 5-6 ही मिला और नहीं मिला। बाकी मैंने प्लेन चूड़ियाँ जो है मैंने बहुत ढेर सारी हर कलर की मतलब मैंने खरीद के कहीं रखा है, लेकिन वो वाला मतलब बॉक्स मुझे मतलब जल्दी में थे तो नहीं निकाल पाए। बाकी मैंने सब देखा तो जितना मुझे मिला उतना मैंने पहन लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में मिलेगा तो निकाल के फिर पहन लेंगे। तो वही मैं यहाँ पे चूड़ियाँ निकाल रही थी। और यहाँ पर ये देखिए हस्बैंड लेके आए हुए थे आइसक्रीम, तो रात में वही मैं हम लोग निकाल के खाने जा रहे थे। और ये क्या हुआ कि ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो शाम को ऐसे मेरा अचानक से मन हुआ मैगी खाने के लिए। क्या हुआ था कि मैंने सुबह खाना खाया था बहुत थोड़ा सा, तो मतलब अच्छे से मैंने खाना नहीं खाया था, तो मुझे शाम को ऐसे मतलब भूख लगने लगी। क्या हुआ, इधर मैं 4-5 दिन से मतलब क्या होता है ना, सुबह ना शाम को मैं चाय ही नहीं पी रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि शाम को अगर चाय वगैरह पी लो तो भूख मतलब नहीं लगती है, फिर सीधे रात में ही खाने का मन करता है, लेकिन इधर मैं चाय भी नहीं पी रही हूँ। तो फिर मुझे ऐसे शाम को अचानक से मतलब भूख लगने लगी थी, हल्का फुल्का ही खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैगी रखा है, मैगी बना के खा लेते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि बहुत दिन हो गया खाए नहीं थे, तो ऐसे मन किया, तो बस एकदम सिंपल सी मैंने मैगी बनाई थी। और यहाँ पर ये देखिए सब्जियाँ लेके आए हुए थे हस्बैंड, तो वही मैं यहाँ पर निकाल के रख रही हूँ, रात का ही समय है ये। तो सब्जियों में आलू है, भिंडी है, टमाटर है, फल है, केला है, मैंगो है, यही सारी सब चीज़ें थी, तो मैं निकाल के रख रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये है उसके नेक्स्ट डे मंगलवार के मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में। तो क्या हुआ कि मैंने रात में गैस काउंटर टॉप को अच्छे से नहीं क्लीन किया था। क्या हुआ कि बेटू रात में मुझे बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था, और उसके पापा भी मतलब नहीं थे उस दिन, तो बाहर थे। तो फिर मैंने क्या किया, क्या होता है कि जब उसके पापा रहते तो उसके पास अगर छोड़ दो तो ये सब काम क्या होता है तब मैं आराम से कर लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी क्या होता है उसको बहला फुसला के भी कर लेती हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा था उस दिन। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मॉर्निंग में करते हैं। फिर क्या हुआ कि सुबह मतलब क्या हुआ, मैंने कहा चलो सबसे पहले क्या होता है नहा लेते हैं, नहीं तो बेटू उठ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और ये सब चीज़ें क्या है तो अगर बेटू उठ भी जाएगा किसी तरीके से मना के कर लेंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया है पहले मैं नहा धो चुकी हूँ। और ये देखिए मैं गैस काउंटर टॉप को मतलब ये सब क्लीन ही कर रही थी, इतने में बेटू उठ भी गया था, तो हमने कहा चलो अच्छा डिसीजन लिए थे। तो फिर नहाने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ गैस काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और क्या होता है ये सब चीज़ें मैं जो है रात में ही ज़्यादातर मतलब चाहे कितना भी लेट हो जाता है तभी मैं क्लीन कर लेती हूँ किचन बर्तन, ये सब चीज़ें बहुत रेयर है कि मैं मतलब ये रात को स्किप कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया था। तो आज मैंने मॉर्निंग में साफ़ किया। और यहाँ पर ये देखिए जब साफ वाफ कर लिए थे उसके बाद दूध वाले भैया आए थे, तो मैंने दूध ले लिया है यहाँ पे रख दिया गर्म होने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ ब्लॉगर निशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ लंच में बनाने तहरी। तो जैसे मन कर गया कि आज तहरी बनाए, तो बस उसी के लिए मैं जा रही थी यहाँ पे। लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च इन सबका मैं पेस्ट बना के तब बनाऊंगी आज तहरी। तो झटपट बनने वाली रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों से भी शेयर करेंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा।
और इधर दूध जो है उबल गया है, इसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले की पेस्ट को रेडी कर लिया है और मैं अब इसमें ऑयल जो डाल देती हूँ। बस ऐसे ही आज मन हुआ कि आज तहरी बनाते हैं लंच में, क्योंकि बहुत बस वही दाल चावल रोटी सब्जी बहुत दिन हो गया था ये तहरी मैंने नहीं खाया था। क्या होता है ठंडी में मटर अगर बहुत टाइट बन रही है, खुल ही नहीं रहा है। क्या होता कि इसमें ऑयल लगा था फिसल रहा था, सिर्फ खुल ही नहीं रहा था, अब फाइनली खुल गया। तो ये सरसों का तेल खत्म हो गया था, कल लेके आए हैं तो वही मैं डिब्बा नहीं खोल पा रही थी। और ये घर का मतलब प्योर है, एकदम शुद्ध। तो ये जो है कुकर अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तहरी बनाने के लिए मसाले का पेस्ट जो है मैंने रेडी कर लिया है। मसाले के पेस्ट में मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और हरी वाली इलायची जो होती है वो 2-3 ले लिया है। तो उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, मस्टर्ड ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें जीरे का तड़का दे दिया है। उसके बाद फिर मैंने जो मसाले का पेस्ट मैंने बनाया था उसको मतलब मैंने डाल दिया है। और फिर यहाँ मैं सूखे मसालों में धनिया पाउडर डाली हूँ और ये हींग मैं डाल रही हूँ और ये है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसको भी मैंने डाला है। और यहाँ पर यह है थोड़ा सा सब्जी मसाला, उसको मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, आलू जो है मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अभी मैं इसको छील के इसको भी कट करके डालूँगी। तो यहाँ पर मैं टमाटर बड़े साइज का 2 मैंने इसको कट करके इसमें डाल दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर टमाटर डालने के बाद मैं तुरंत सॉल्ट डाल दूँगी और इसको फिर मतलब कुछ देर के लिए भूनेंगे। उसके बाद फिर मैंने चावल धुल के, क्या हुआ कि मसालों के हल्का फुल्का भूनने के बाद मैंने तुरंत इसमें आलू डाल के इसको कुछ देर भूना था। उसके बाद फिर मैंने इसमें चावल डाल के और फिर जितना मुझे पानी चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। तो ये देखिए मैंने चावल भी ऐड कर दिया है। तो चावल डाल के मैंने इसको 4-5 मिनट के लिए और भूना था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो पानी क्या होता है कि जब भी मैं डालती हूँ कुकर में तो ऐसे ही मैं डाल के अंदाज लेती हूँ। और क्या होता है कि ठंडी वगैरह में मटर की जो बनती है तहरी वो मतलब अलग ही होती है खाने में, लेकिन इधर वाला जो इस समय टाइम में बनाओ तो इसमें अगर आप वो जो न्यूट्रीला होता है सोयाबीन उसको ऐड करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सोयाबीन वाली तहरी बहुत पसंद है लेकिन इस समय हमारे पास नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया है, नहीं तो अगर उसको डालते तो और टेस्टी बनता, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बना था वैसे। तो देखिए मैं कुकर में पानी ऐसे देख के ही अंदाज लेती हूँ और एकदम परफेक्ट रहता है। तो जैसे मुझे चाहिए था एकदम परफेक्ट वैसे ही मुझे तहरी बन के मिला है, ना गीला है ना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम वैसा है, एकदम ड्राई वाला जैसे मुझे चाहिए था एकदम वैसे एकदम परफेक्ट है। और ये देखिए तो यहाँ पे मैं घी निकालने के लिए ले आई हूँ। तो क्या हुआ कि मैं घी जो है ये फ्रिज में रखी थी इसीलिए इस तरीके से हो गया है। क्या होता है अगर बाहर रख दो तो चींटियाँ आ जाती हैं, इसी के डर से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म तहरी बनके हमारी रेडी हो गई। और किस किस को तहरी पसंद है खाना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।